आज का ये पोजीशन है ओके एंड इसके बाद इसका जो मूवमेंट होगा थोड़ा जैसे मैंने बोला नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होगा ओके ये अभी ऐसे जा रहा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट उसके बाद 3 नवंबर का इसका लोकेशन ऐसा है थोड़ा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड 4 नवंबर का ये इधर है थोड़ा आप देख रहे हैं कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड की तरफ आ रहा है 5 मई फार्दर इस जगह में है ओके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड गुजरात से काफी दूर है सो 1 तारीख से 5 तारीख तक ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है इस बाबा जरू का हमारे स्टेट के ऊपर लेकिन 6 तारीख ऑनवर्ड्स 6 तारीख से ये सिस्टम जो है थोड़ा हमारे जो मॉडल बाकी सारे मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर शोइंग कि इसका जो नॉर्थ ईस्ट वर्ड टर्निंग होगा 6 तारीख को ये टर्न करेगा ओके 6 तारीख मॉर्निंग ऑनवर्ड्स फिर 7 तारीख को आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा जो है ये भेरावाल से साउथ वेस्ट में आ रहा है तो 7 तारीख एंड 8 तारीख को ये अंदर वीक हो गया है लेकिन वीक हो गए लेकिन ये जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र साउथ गुजरात ये सब एरिया में रहेगा नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी दिस एरिया में सो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 6 एंड 8 के बीच में हेवी रेनफॉल होने का होएगा एंड विंड स्पीड भी काफी काफी रहेगा बिल्कुल 6th मॉर्निंग ऑनवर्ड्स विंड स्पीड बढ़ेगा जो इवनिंग को और बढ़ेगा 6th मॉर्निंग ऑनवर्ड्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 60 to 70 किलोमीटर पर आवर ओके एंड जो इवनिंग को बढ़ के 70 to 80 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है